प्रशासन द्वारा आगरा में ज्यादा प्रदूषण होने के कारण इस बार पटाखों की दुकान न लगाने के आदेश के बाद कलेक्ट्रेट में पटाखा दुकानदारों ने हंगामा किया। वहीं पटाखा व्यापारियों का कहना है कि अगर दुकान आवंटित नहीं की गई तो दिवाली पर सारे पटाखे कलेक्ट्रेट परिसर में ही जलाएंगे। दरअसल दो दिन पहले कलेक्ट्रेट परिसर में पटाखा व्यापारियों को लॉटरी व्यवस्था से लाइसेंस आवंटित किए गए थे, लेकिन प्रदूषण विभाग द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने उन शहरों में पटाखा बिक्री और पटाखा चलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दे दिए जिन शहरों का प्रदूषण स्तर अधिक है। एनजीटी के आदेश के बाद आगरा जिलाधिकारी ने भी सभी पटाखा व्यापारियों की दुकानों पर रोक लगा दी है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इस कोरोना काल में व्यापार के माध्यम से अपने घर की रोजी रोटी चलाने का काम करने के लिए इतनी मेहनत की, यहां तक कि व्यापार करने के लिए गहने तक गिरवी रख दिए। वहीं अब आतिशबाजी का सामान खरीदने के बाद अब जिला प्रशासन ने दुकान आवंटित करने से मना कर दिया है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि यदि पटाखों की दुकान नहीं लगती है तो सभी दुकानदार पटाखे जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर जलाएंगे। कलेक्ट्रेट पे ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सब रिटेलर पटाखा व्यापारी हैं। हम लोग हर साल पटाखे की दुकान सरकार के द्वारा जो फील्ड नियुक्त किए जाते हैं, इस बार आगरा में 12 स्थान ऐसे दिए हैं जहाँ हम लोग पटाखे की दुकान लगाते हैं। और आज से दो दिन पूर्व यानी 7 तारीख को यहीं डीएम कार्यालय में लॉटरी खोली गई थी। दुकान नंबर सभी दुकानदारों को अलाउड हो चुके हैं। कुछ दुकानदारों ने जो सरकार ने फीस बताई थी वो फीस भी जमा कर दी है। तो अभी एनजीटी ने, प्रदूषण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट लगाई है कि आगरा में जो प्रदूषण है वो पटाखा बेचने लायक नहीं है। तो अब एकदम अचानक से ये चीज़ जो सूचना चारों तरफ फैली है तो अब दुकानें नहीं लगेंगी। हाँ, दुकानें नहीं लगेंगी, इसलिए आपने कर दी तो भी। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत भी किया है अधिकारी जी के अंदर, आपस में मीटिंग या वार्तालाप चल रही है, हमें नहीं मालूम क्या चल रही है, पर हमें तो इतना ये मालूम है कि अगर ऐसा सब कुछ होना था, किसी ने अपने वाइफ के जेवर गिरवी रखे हैं, किसी ने बाजार से पैसा लिया है, ठीक है, इस तरीके के हम लोग अभी परेशान हैं। अगर शासन प्रशासन अगर बात नहीं मानेगा तो मेरा तो क्या, बाकी सारे पटाखा व्यापारियों का ये कहना है कि अगर ऐसा होता है और अगर हम नहीं बेचेंगे सारा माल कलेक्ट्रेट में ही लाके यहीं अपनी दीपावली मनाएंगे। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राहुल शर्मा की रिपोर्ट।